से कम जी 3 लाख रुपए बताए लोगों के ऊपर पड़ा है, कम से कम। दोस्तों फाइनली आज हम बात करने वाले हैं बेशु बाबा मंदिर के महंत से, जो कि इस मंदिर का क्या है इतिहास और क्या है महत्व जानकारी वो बाबा जी स्वयं बताएंगे। फाइनली आप वीडियो में बने रहें। बाबा जी, बेशु बाबा मंदिर का इतिहास क्या है? बेशु बाबा मंदिर बहुत पुराना मंदिर है, लगभग 200 वर्ष पुराना ये मंदिर है। इसका निर्माण तत्कालीन राजा उदित प्रकाश सिंह ने करवाया था और इसके बाद हमारे खानदान को पूजा करने के लिए नियुक्त किया था जी। तभी से हमारा खानदान पूजा करता चला आ रहा है जी। और यहाँ के राजा इस समय मतलब सगरा गढ़ में चले गए हैं जी जी। 1857 वाले में जब हुआ था जी, ये अंग्रेजों के गुरु और ये मतलब जब आधिपत्य कायम हो गया यहाँ पर जी जी, तो वो सगरा गढ़ चले गए और यहाँ का जो राज्य था तो दो भागों में अंग्रेजों ने विभक्त कर दिया। एक तो इनके पिट्ठू बलरामपुर स्टेट था, 71 गांव उनको दे दिया गया, शेष ये संपूर्ण उनका राज्य कपूरथला स्टेट को दे दिया गया क्योंकि वो भी पिट्ठू था। और इस तरीके से अपना वहीं पे चले गए और बेशु बाबा मंदिर तभी से हम लोग निर्भर करते आ रहे हैं। यहाँ पे इतनी ब्राह्मण खिलाई होती है कि कभी कभी जगह नहीं बच पाती है। राम विवाह और बसंत पंचमी जो पर्व पड़ता है इसमें बहुत बड़ा मेला लगता है, पूजा इसमें पुलिस को लगाना पड़ता है नहीं तो नियंत्रण करना कठिन हो जाएगा। इस मंदिर में कथा वार्ता तो उसकी गणना नहीं की जा सकती है, भागवत भी साल कोई गणना नहीं करता है फिर भी 500 भागवत तो हो ही जाती है। और यहाँ ठेका दिया जाता है कथा और मंडल का, ठेकेदार अपना वसूली करता है, दे देता है, उसको निर्माण कार्य में लगाया जाता है। अभी हाल में जो तीन मंत्रालय बनकर तैयार हुआ है उसका कार्य कम चल रहा है और 10 दुकानें इसमें हैं बेशु बाबा मंदिर में, जिसमें पुराने मंत्री उन्होंने दे दिया था बलदेव राजे, लेकिन ये साले मुकदमा लग रहे हैं अभी किराया नहीं दे रहे हैं। कम से कम जी 3 लाख रुपये बताए लोगों के ऊपर पड़ा है, कम से कम। दोस्तों आप देखिए इतने विशाल मंदिर बेशु बाबा मंदिर के जो भी 10 रूम बने हुए, दुकानें बनी हुई जिससे ये लोग कमाते हैं, उस कमाने के बावजूद भी मंदिर समिति के अध्यक्ष को इसका किराया भी नहीं निकल पाता है। दोस्तों आप सोचिए, इन महंत के खानदान ने मिलके आप इनके कारण जो यहाँ के श्रद्धार्थ और भक्त आते हैं तो यहाँ पे नए नए निर्माण करवाते हैं और ऐसे विशाल हृदय रूपी समिति के अध्यक्ष को यहाँ का किराया भी नहीं मिल रहा है। तो गुरु जी आप एक चीज और पूछना चाहते हैं, ये जो बेशु बाबा कैसे इनका मतलब इनको क्यों पूजा जाने लगा, कैसे पूजा जाने लगा? देखिए ये जैसा कि सुना जा रहा है जी कि इन्होंने बेशु बाबा को परेशान किया था राजा ने जी, जैसे राज्य में थे ही जी जी, तो उसके उपरांत उन्होंने आत्महत्या कर ली। अच्छा, राजा के सताने के कारण? हाँ जी। और उनका जो है भूत उनके ऊपर दौड़ने लगा जी, ये भी किंवदंती है जी। और तभी से उनको पूजना पड़ा और ये मंदिर बनवाना पड़ा। तो वैसे थोड़ी बनवाता है, पहले पीपल का वृक्ष लगा था, अब ये हाल में ही जो है मतलब उसको गिरा के पुराना हो गया था तो मंदिर बना दिया गया। अब वो पेड़ पालो नहीं रह गया है लेकिन ठंड का बन गया है, इस तरीके से यहाँ का संचालन ऐसा किया। तो बाबा जी जिसे सुना है कि सप्ते में सोमवार को बहुत बड़ा मेला भी लगता है। हाँ हाँ हाँ, हफ्ते में 3 दिन मेला लगता है जी, 3 दिन सोमवार को बहुत बृहद लगता है, बृहस्पति और शुक्रवार को भी लगता है, 3 दिन हफ्ते में मेला लगता है। और लगन में तो 12 मास रहता है, मतलब जब तक लगन रहेगा बहुत अधिक भीड़ रहेगी, कहीं बैठने के लिए ठाम नहीं मिलेगा। कम से कम मेले में तो जब सोमवार वोमवार वगैरह हो जाता है तो 100-200-500 आदमी यहाँ प्रतिदिन आते हैं जी। इस तरीके से यहाँ मेन मकसद है ब्राह्मण खिलाना, कथा सुनना, सारे जितने कार्यकलाप होते हैं मतलब संस्कार वाले वो सब यहाँ किए जाते हैं, सारा चीज़ ऐसा भी संपादन होता है, सारा सब कुछ मेरे अनुसार ही यहाँ पे चलता है। रजिस्ट्री लगी हुई है, आप देख सकते हैं,
बाहर बना हुआ है, एक अगर वो होगा क्या नाम है मुंडन, 30 रुपया नाव को देना पड़ेगा। अच्छा जी, एक कथा सुनेगा जो लोग तो पंडित को 15 रुपया, जिससे लाभ होता है उससे करता है। अब बाकी चीज़ें हैं वो तो चलता ही रहता है, राहत वगैरह का अलग अलग का रेट है, इस तरीके से इसका संचालन किया जाता है। अभी इनका मिल जाए किराया, मतलब बना मंदिर में देखिए हमको दे दिया है, तो चल रहा है प्रकरण मुकदमा में, अब वो मिल जाए तो अभी बिल्कुल काया कलर हो जाए, स्वर्ग हो जाए। तो दोस्तों, जिस तरीके से बाबा के छोटे मोटे से जो लोग श्रद्धालु चढ़ाते हैं और थोड़े मोटे जो कथा वथा से जो पैसा आता है उससे इस मंदिर समिति को चलाया जाता है, और इसका जो विशाल रूप दिया जा रहा है इन्हीं कुछ पैसों से दिया जा रहा है, आप सोच सकते हो छोटी छोटी रकमों से आज इतना बड़ा विशाल रूप का दिया मंदिर का। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, यहाँ का एक विशाल रूप बनाया गया मंदिर का, पहले आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ का शिव मंदिर है जहाँ के भोलेनाथ को विराजमान किया गया है, और जस्ट बगल में है वैष्णो बाबा मंदिर जो कि आपको दिखाया जाएगा। इस मंदिर का पूरा प्रांगण का पूरा, अच्छा दोस्तों ये हवन कुंड है, देखिए सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं हवन कुंड। कहा जाता है कि ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे मेन उद्देश्य होता है हवन कीजिए और प्रभु को प्रसन्न कर लीजिए। और आपको दिखाता हूँ एक बहुत सुंदर सा चीज, और चीज क्या ये मंदिर का परिषद है, और आपको दिखाता हूँ यहाँ का मंदिर का धाम भी आई है। यह है वैष्णो बाबा मंदिर जो कि बाबा जी हैं यहाँ पे स्थान हो रखा है, और जैसा कि बाबा जी बता रहे पहले यहाँ पे पीपल का पेड़ हुआ करता था, जो कि दोस्तों क्योंकि वैष्णो बाबा एक ब्राह्मण थे तो ब्रह्मचारी के रूप में यहाँ विराजमान थे, और लेकिन अब वहाँ पे इनको एक स्वरूप दे दिया गया है स्तंभ का। और कुछ दिनों में जैसा कि पुजारी जी ने बताया कि ये वैष्णो बाबा को एक नया रूप देने वाले, इसको चांदी का एक नया वो लगाया जाएगा, मिला जाएगा इसको, और एक बहुत सुंदर स्वरूप दिया जाएगा। और यहाँ से आपको मैं और दोस्तों आपको आज का ब्लॉग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे चैनल पहली बार आए तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वो वीडियो कर दीजिए लाइक, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।